नाइट हैज कम नाम का भाई कोरियन ड्रामा जो आया था उसको देख के खत्म कर दिया। जब मैं इस कोरियन ड्रामा को देख रहा था तो इसके हर एक एपिसोड के बाद जो मेरी फीलिंग्स थी कुछ इस हिसाब से जा रही थी, पहले 4 एपिसोड वाओ क्या है भाई एकदम ब्लास्ट, नेक्स्ट 4 एपिसोड ओके ठीक है यही था एंड देन लास्ट के 4 एपिसोड आ ये क्या कर दिया। यस भाई कुछ ऐसे इसके ड्रामा को लेकर के मेरी फीलिंग लिस्ट। अगर आपने इसके ड्रामा के बहुत सारे रील एंड मीम्स देख लिए हैं, जानना चाहते हो इस पर टाइम देना सही रहेगा या फिर नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ जिसको आपको फॉलो करना है भाई, इसके ड्रामा को देखने के वक्त आपको अपना ब्रेन यूज नहीं करना, क्योंकि भाई इस ड्रामा की जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा पूर है, ना तो स्मार्टली लिखी गई है एंड ना ही स्मार्टली एग्जीक्यूटेड है। स्टार्ट में जब आप 7-8 एपिसोड देखोगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसकी जो मिस्ट्री आपको वो अपने साथ हुक करके रखेगी, जानने के लिए एक्साइटेड रहते हो कि भाई एक्चुअली में इसकी दुनिया में क्या चल रहा है। बट जैसे जैसे वो मिस्ट्री आपके सामने आएगी एंड क्लाइमेक्स की तरफ आप बढ़ोगे तब आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है, कैसा लगा मेरा मजाक सीजन 1 को देखने के लिए। भाई आपको 12 एपिसोड देखने हैं जो कि आपको वकी के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। अभी भाई इसको हिंदी डब में रिलीज नहीं किया गया है एंड ना ही ये आने वाले 3-4 साल तक हिंदी डब में आपको देखने को मिलेगा। तो इन केस अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आपको सबटाइटल से काम चलाना पड़ेगा। बाकी सुन लो भाई एक्चुअली में इसकी कहानी वगैरह क्या है, तब वीडियो छोड़ करके भागना। एंड हाँ, कहानी पर आने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि इस सीरीज में आपको बहुत सारे ब्रूटल किलिंग सीन देखने को मिलेंगे, बहुत सारा ब्लड वायलेंस देखने को मिलेगा, बट कुछ एडल्ट नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी ऐसे है कि भाई कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं एंड जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं उन सबके मोबाइल में भाई एक गेम है जिसका नाम है माफिया, उनके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है एंड उसके बाद ये सारे के सारे एक ऐसे लूप में फंसते हैं जहां पर इन लोगों को सर्वाइव करना एंड उस माफिया गेम को खेलना है, साथ ही साथ उसके रूल्स को फॉलो करना है। मींस हर रात में आपको एक ऐसे बंदे को चूज करना है जिसको आप शक करते हो कि सामने वाला माफिया, जब आप उसके लिए वोट करोगे एंड मैक्सिमम वोटिंग अगर उस पर्सन के लिए हुई देन वो रात में ही पर्सन मार दिया जाएगा। ओवरले इस सीरीज में क्या हो रहा है एंड ऐसा कौन है जो कि इन लोगों को मारना चाहता है, क्या इन्होंने कोई पाप किया है या फिर यूं ही ये लोग फंस गए, ये सब जानने के लिए आपको इसके ड्रामा को देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस सीरीज के, देखो इस सीरीज के जो डायरेक्टर थे वो बहुत ज्यादा हॉलीवुड की सीरीज एंड मूवी से इंस्पायर्ड थे एंड इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारी मूवीज उनके कॉन्सेप्ट को चोरी करके इसके ड्रामा को बना दिया। मूवी जैसे कि स्केप रूम सीरीज, जैसे कि एलिसन बॉर्डर एंड स्कर्ड गेम को भी इंक्लूड कर लो। इस तरह की भाई बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज का उन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया एंड मिक्स करके स्कूल ड्रामा के रूप में इसके ड्रामा को बना दिया, जिसमे इसके जो मेकर्स है फर्स्ट हाफ तक काफी अच्छी तरीके से वर्क कर गए, लेकिन सेकंड हाफ में आकर के कहीं ना कहीं एकदम उन्होंने कांड। मींस इन केस अगर आप एक यंग ऑडियंस की कैटेगरी में आते हो एंड अगर आपने स्केप रूम टाइप के मूवीज एंड वेब सीरीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, एलिसन बॉर्डरलाइन जैसी मास्टरपीस सीरीज को नहीं देखा है, स्क्विड गेम जैसी मेगा ब्लास्टर सीरीज को अभी तक नहीं देखा देन तली आप इस सच को देख करके अपना अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आप मेरी ऑडियंस की कैटेगरी में आते हो या फिर मैं बोलूं प्रो ऑडियंस की कैटेगरी में आते हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस केडमा पर अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि मेरे नज़र में भाई ये सच बहुत ज्यादा एवरेज है
जिसमें केवल आपको एक ही चीज को देख कर के मजा आएगा वो है इस सीरीज के किलिंग्स एंड उन किलिंग्स को आप चाहो तो रील्स एंड मीम्स में देख कर के काम चला सकते हो। कुछ ज्यादा खास नहीं है इसके डा क्योंकि इस सीरीज की कहानी लैक नहीं करती बल्कि कैरेक्टर डेवलपमेंट में ये सीरीज बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाती है। जितने भी कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं उनकी राइटिंग इतनी ज्यादा पूर है कि आप किसी भी कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। सीरीज प्रोडक्शन क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, थोड़ा सा चीप क्वालिटी की फील होती है और भी आपको बहुत सारी कमियां देखने को मिल जाएंगे जिनको आप अपने अकॉर्डिंग अगर देखने जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत बहुत सारे लूप होल्स हैं इसकी कहानी में। तो ओवरऑल मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आप एक टाइम पास हॉरर थ्रिलर टाइप गेम पर बना हुआ एक ऐसा के ड्रामा देखना चाहते हो जो कि आपका टाइम पास कर दे देन डेफिनेटली आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं एक बार इसको ट्राई दे सकते हो। अदरवाइज भाई अगर आप इस केडमा को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मेरी बात कर तो पर्सनली इसका का जो फर्स्ट हाफ था वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जो मिस्ट्री थी उसको जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसलिए मैंने इसके टोटल 12 एपिसोड देखे। बट जैसे जैसे इसकी कहानी आगे प्रोग्रेस कर रही थी कहीं ना कहीं सीरीज मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई थी। मैं हर एक को पकड़ ले रहा था एंड मुझे पहले ही पता चल गया था कि भाई अब इसमें होगा क्या, इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। ओवरऑल पर्सनली मेरे लिए एज ए प्रो ऑडियंस का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा एवरेज था इसलिए मैं इस सीरीज के 7 को ओवरऑल जज करते डट करूंगा। 6.8 आउट ऑफ 10 स्टार। कहानी को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया, थोड़े बहुत हिंट्स डाले गए हैं तो अगर ये हिट हो जाता है कोरिया में तो क्या पता आपको इसका सीजन 2 भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपने इसका सीजन 1 को देख लिया है तो आपको क्या पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिख बताना। मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।